हे गाइस, वेलकम टू द वायलेट गिटार ई स्कूल ऑफ म्यूज़िक। मेरा नाम दास गुंजन है और आज हम सीखेंगे ऐसी एक्सरसाइज, अगर आपने उसे ढंग से 10 मिनट डेली प्रैक्टिस किया 30 दिनों के लिए, तो आपको बहुत ख़तरनाक चेंजेस दिखेंगे अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं और मेरी टीम वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन गिटार और यूकेलेले सिखाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्ट्रक्चर वाइज गिटार या यूकेलेले सीखने के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द वायलेट गिटार पर DM भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपके फिंगर्स स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी डिफ़िकल्ट म्यूज़िक पीस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर फिंगर्स ही स्ट्रांग नहीं हैं तो उन्हें अटेम्प्ट करना टाइम वेस्ट है। तो आपको ये समझना है और अच्छे से समझना है कि जितने इम्पॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं उतने ही मे बी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी फिंगर एक्सरसाइजेज हैं। एक चीज़ जो हम ध्यान रखेंगे वह यह है कि ये एक्सरसाइज धीरे धीरे बिल्ड होगी, राइट? यानी कि हमें समय लगेगा हर एक पार्ट को सीखने में, बट आपको कंसिस्टेंटली डेली मिनिमम 10-15 मिनट्स देने हैं और आप बहुत ही आराम से नेक्स्ट 30 डेज में इस एक्सरसाइज को स्मूथली प्ले कर पाएंगे। तो आज के सेशन को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 को अगर आप देखें तो वो है पिंकी, 5th स्ट्रिंग 5th फ्रेट रिंग, 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट इंडेक्स फिंगर, 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। सबसे पहले तो आपको ये शेप सीखना है, राइट? ये डी मेजर ट्रायड है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, बट आज के लिए आपको सिर्फ ये एक्सरसाइज समझनी है, इसके पीछे की थियरी नहीं। पिंकी रिंग और इंडेक्स, राइट? आपको ये सब फिंगर्स एक साथ रखनी है। चेक करते हैं, राइट? और अगर आप मेरा राइट हैंड चेक करें तो ये है थंब, इंडेक्स और मिडिल। 5th स्ट्रिंग को मैं थंब से प्ले कर रहा हूं, 4th को इंडेक्स से और 3rd को मिडिल से, राइट? तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इस शेप को पकड़ना सीखें, राइट? आपको ध्यान से समझना है ये शेप कैसे है। अगर हम स्क्रीन पे देखें, पिंकी रखेंगे, रिंग रखेंगे एंड देन इंडेक्स रखेंगे। समझना है फिर से, पिंकी रिंग और इंडेक्स, राइट? पिंकी रिंग और इंडेक्स। अगर हम यह शेप नहीं रख पा रहे हैं तो आपको कुछ देर इसी की प्रैक्टिस करनी है कि आप ये शेप रख पाएं, राइट? पिंकी रिंग और इंडेक्स। अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो रहे हैं इस शेप को रखने में, तो आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं ईजीली, राइट? नेक्स्ट स्टेप है इन्हें प्ले करना, राइट? और राइट हैंड से जो फिंगर्स मैं यूज कर रहा हूं, आपको कोशिश करना है आप भी वही फिंगर्स यूज करें। अगर हम देखें, मैं यूज कर रहा हूं थंब, इंडेक्स और मिडिल, यानी 5th स्ट्रिंग पे थंब है, देन इंडेक्स 4th पर और 3rd पर मिडिल है। यानी आपको ये सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, राइट? अब समझते हैं ये कैसे प्ले होगा। पोजिशन थंब इंडेक्स मिडिल, राइट? बहुत इजी है। पोजिशन थंब इंडेक्स मिडिल, पोजिशन थंब इंडेक्स मिडिल, पोजिशन थंब इंडेक्स मिडिल। अब आते हैं पार्ट 2 में जो है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो मैंने रिंग फिंगर रखा है 4th स्ट्रिंग 12th फ्रेट, मिडिल फिंगर रखा है 3rd स्ट्रिंग 11th फ्रेट और इंडेक्स रखा हुआ है 2nd स्ट्रिंग 10th फ्रेट, राइट? तो इसे समझते हैं ये कैसे प्ले हो रहा है। राइट हैंड को अगर आप देखें तो ये है थंब ऑन 4th, इंडेक्स ऑन 3rd एंड मिडिल ऑन 2nd, राइट? अगेन यहाँ पे भी आपको ये पोजीशंस रखना सीखना है सबसे पहले कि हम इसे पकड़ सकें, राइट? रिंग से स्टार्ट करेंगे, मिडिल एंड देन इंडेक्स। चेक करते हैं कैसे रख रहा हूं, राइट? अब आते हैं 3rd पार्ट पे जो है मिडिल इंडेक्स और पिंकी, राइट? लेफ्ट हैंड को चेक करें तो मिडिल आ रहा है आपका 15th फ्रेट पे, इंडेक्स है 14th फ्रेट पर और पिंकी है 17th फ्रेट पे,
तो कैसे प्ले हो रहा है? मिडल, इंडेक्स, पिंकी। अगर आप मेरा राइट हैंड चेक करें तो मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ थंब, इंडेक्स, मिडल, थंब, इंडेक्स, मिडल, राइट। ये राइट हैंड की बात हो रही है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप है रिवर्स जाना, राइट। तो अभी हमने प्ले किया था थर्ड स्टेप में मिडल, इंडेक्स, पिंकी, लेफ्ट हैंड की अगर बात करें। अब आप फोर्थ स्टेप में प्ले करते हो पिंकी, इंडेक्स, मिडल, राइट। अब आप वापस जा रहे हैं 17, 14 एंड 15, राइट। देखते हैं कैसे वापस जा रहे हैं। 17, 14 और 15 से वापस जा रहे हैं, राइट। फिर से चेक करते हैं कैसे प्ले किया। राइट हैंड को अगर आप चेक करें तो ये है थंब, इंडेक्स, मिडल, इंडेक्स, मिडल, इंडेक्स। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है और इम्पॉर्टेंट भी, राइट। अगर हम इन फिंगर्स के अलावा कोई और फिंगर्स यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट और अननेचुरल हो जाएगा, राइट। तो आपको कोशिश करनी है जो फिंगर्स मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे ही यूज़ करें। थंब, इंडेक्स, मिडल, इंडेक्स, मिडल, इंडेक्स, राइट। फिर से देखते हैं, राइट। तो यहां तक हम इसे प्ले करके देखते हैं कैसे हुआ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं देन आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है देन इंडेक्स, मिडल और रिंग, राइट। अगर आप लेफ्ट हैंड को देखें तो सबसे पहले मैं रख रहा हूँ इंडेक्स फिंगर सेकंड स्ट्रिंग 10th फ्रेट, उसके बाद रख रहा हूँ मिडिल फिंगर थर्ड स्ट्रिंग 11th फ्रेट और फिर रिंग फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग 12th फ्रेट, राइट। सीक्वेंस देखते हैं। अब अगर राइट हैंड की बात करें तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूँ मिडिल, देन इंडेक्स और फिर थंब, अगेन मिडिल, इंडेक्स, थंब, मिडल, इंडेक्स, थंब, राइट। एंड देन लास्ट स्टेप की अगर बात करें तो वो है हमारा इंडेक्स थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, रिंग फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट और पिंकी फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट। कैसे प्ले हो रहा है? एम आई टी। अगर राइट हैंड की बात करें मिडल, इंडेक्स, थंब, एम आई टी, राइट। अब इसे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिस करना है। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। सबसे पहले आप इसे इंडिविजुअली प्रैक्टिस करेंगे, हर पार्ट को इंडिविजुअली प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो पोजीशंस आपकी फिंगर्स बना सके, राइट हैंड उसे करेक्ट तरीके से प्ले कर सके। अगर आप इंडिविजुअली सही तरीके से प्ले कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस है आपको, तो आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हो, राइट। पार्ट बाय पार्ट कनेक्ट कर सकते हो, लाइक पार्ट 1 और 2 को पहले कनेक्ट करोगे, राइट। बार बार आप यही ट्रैक प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद पार्ट 2 और 3 को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड देन पार्ट 3 and 4, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट और फिर उसके बाद बहुत स्लो सारे पार्ट्स को आप कनेक्ट करेंगे। आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द वायलेट गिटार पर DM भी कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर सकें।